तो चलिए नेक्स्ट तारागढ़ की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ की भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ कुछ न कुछ। और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से देता हूँ ताकि कोई भी साधारण आदमी अगर आता है वो किस तरह से यहाँ पर आए, किस तरह से रहे, कम से कम खर्चा हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन वीडियो में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अभी तारागढ़ की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में दरगाह के दर्शन किए थे हमने, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लें। और यहाँ पर एक ढाई दिन का झोंपड़ा भी है वहाँ पर, क्या बोलते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो ढाई दिन में कंप्लीट हुई थी। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ शीशा ताकि मेरी आवाज़ आए आपको, फलते आवाज़ ना आए। तो वो बता रहे हैं कि कुछ खास है नहीं, वहाँ पर सिर्फ स्तंभ खड़े हैं और वो जो भी है पुरानी टाइप की बिल्डिंग। तो तारागढ़ बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ है देखने के लिए। तो चलिए सीधा तारागढ़ चलते हैं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री की बातें जानते हैं। जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं और मैं नेविगेशन ऑन कर लेता हूँ ताकि बिना झंझट के जल्दी पहुँच जाए। ये लो जी, तारागढ़ फोर्ट की तरफ जाते हुए यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से दिख नहीं पा रहा, अभी पीछे से दिख रहा था किला, ऊपर घूम घूम के वही रास्ता थोड़ा सा। ये सीढ़ियाँ बनी है पैदल के लिए, नीचे आपको सिटी भी दिख जाएगी, पूरी अजमेर सिटी नजर आएगी। काफी ऊंचाई पे है वैसे और बहुत ही घुमावदार रास्ता। फ्रेंड्स, ये है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। तो आए हैं तो ये भी देख लेते हैं, एंट्री है शायद। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है वो कोशिश करूँगा मैं दिखाने की आपको, अगर देखने देंगे तो। गाड़ी यहाँ पर जी, देखते हैं क्या है चीज़ें यहाँ पर। वैसे मैं एक बार पहले आ चुका हूँ लेकिन बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है मेरे को क्या क्या चीज़ है। 10 रुपये हैं प्रति व्यक्ति। चलो जी, कहाँ से शुरू करें सर? यहाँ से सर, ठीक। चलो, नक्शे ने वैसे परमिशन ले लिए पहले कि वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर है ना, देखिए हर एक पेड़ पे वही जड़ी बूटियों के नाम लिखे हुए हैं, पेड़ पौधों के मतलब किस नेम का है। देखते हैं क्या है अंदर। और मेहंदी जो हाथों में लगाते हो आप, उसका पेड़ है, देखिए अच्छा वहाँ पर उसका दिखाया गया है पूरा अपना पृथ्वीराज चौहान का जितना तक शासन फैला हुआ था वो है। तो वो आपको दिखाता हूँ। हिस्ट्री से वैसे अपना अच्छा खासा प्यार है, एमए हिस्ट्री भी की है मैंने, तो वही जानने में थोड़ा सा मज़ा आता है मेरे को भी। तो ये था जी स्मार्ट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्डिंग है, ये देखिए, ये देखिए। थोड़ा मैं और ऊपर से दिखाता हूँ आपको। चलो जी, पृथ्वीराज चौहान जो मूवी है उसमें शायद आधी अधूरी बातें ही बताई गई हैं, लेकिन यहाँ जब आप आके देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बातें अनसुनी अनकही जो बातें हैं, यहाँ पर आके सारी कुछ सच्चाई का पता लग जाता है। और जो चीज़ें हमें नहीं पता वो भी पता लगती है। सारे कुछ डिटेल है, पढ़ सकते हैं आप। और पृथ्वीराज चौहान का वैसे शासन काल लिखा है 1166 से 1192, जबकि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 1178 दिखा रखा है। यहाँ पर तो बिल्कुल राइट लिखा होगा। और पृथ्वीराज चौहान का इधर जो भी किया था उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है हमें यहाँ आके। तो ये स्मारक हमने देख लिया पृथ्वीराज चौहान का। अभी वो तारागढ़ फोर्ट है जो, वो देखते हैं उसमें क्या कुछ खास है। हाँ, मोड़ बहुत है, घूम घूम के चढ़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ। चंद्र बरदाई का भी बनाया हुआ है, ये पता ही होगा आपको। पृथ्वीराज चौहान के एक कवि थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे उनके, तो उन्होंने ही कविता पढ़ी थी जिससे आइडिया लगा के उन्होंने, दिखाऊंगा आपको थोड़ा पास में जाके, जिसे आइडिया लगा के उन्होंने तीर चलाया था। ये खड़ी सी पार्किंग, यहाँ पर थोड़ी समस्या रहती है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और नक्शे का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, भाग लेता है। तो यहाँ पर यही था जी अपना पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य ही दिखा।
काफी शार्प मोड है फ्रेंड्स, बहुत शार्प एकदम से। देखिए अभी देखना कितना शार्प है, गाड़ी सेकंड गियर में है अपनी और अच्छी खासी पावर भी अपनी गाड़ी में, लेकिन फिर भी है ना बिल्कुल डाउन हो जाती है एकदम से, स्टिक स्टिप है एकदम। इतनी खड़ी चढ़ाई मैंने मुश्किल से ही कहीं चढ़ाई होगी गाड़ी, इवन वहाँ गए थे ना रोहतांग, वहाँ भी इतनी स्टिप नहीं थी चढ़ाई एकदम। अभी देखो इस थ्री व्हीलर की ना जान निकल गई बिल्कुल। हम अभी हैं तारागढ़ फोर्ट की चढ़ाई पे और देखिए सामने मेरे थ्री व्हीलर है, डीजल का ही है, जान निकल गई बिल्कुल। ये है जी यहाँ पर दरगाह है, सिर्फ यहाँ पर किला नहीं है, किला कह रहे हैं कि खत्म हो चुका है, तो दरगाह हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो दोबारा ठीक है जी, ठीक है अभी उधर ही घुमा रहे हैं। बैग ले लीजिए आप, बैग आने। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बता रहा था कि हम दरगाह जा चुके हैं, तो अब हम चलेंगे यहाँ पर। देखिए किला कुछ नहीं है, आप लोग भी आए अगर किले के चक्कर में आ जाएं तो मत आए ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बस जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी देख लिया आपने भाई, किला बता रहे हैं कि खत्म हो चुका है, सिर्फ दरगाह है। दरगाह ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दोबारा दरगाह में जाने का मतलब नहीं बनता। बहुत स्टिफ चढ़ाई करके आए थे किला देखने के लिए, लेकिन किला है नहीं, किसी ने बताया नहीं नीचे, किसी ने जानकारी भी नहीं थी, तो अब रुकने कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट जा रहे हैं। तो ये तो तारागढ़ वाली वीडियो थी, हम सिर्फ यहाँ आके एक ही चीज देख पाए, जो पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य का जो किला नक्शा बना हुआ था, तो वही देख पाए बस। अब और कुछ है नहीं, तो यहाँ से वापस चलेंगे। इस वीडियो का फ्रेंड्स बस यही था विराज की वीडियो में, मैंने सोचा था कि बहुत लंबी बनेगी लेकिन ये तो छोटी सी बनके ही खत्म होगी। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो भी मेरा भाई तारागढ़ फोर्ट के लिए आना चाहे तो उसको पता लग जाएगा कि तारागढ़ फोर्ट नाम की कोई जगह बची नहीं है, तारागढ़ दरगाह नाम की जगह बची है बस। तो आज का वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, होपफुली आपको ये पूरी सीरीज तीर्थ यात्रा वाली सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी अपनी ब्लॉग्स आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भाई का कोई स्पेशली सवाल है स्कॉर्पियो से लेके है या कुछ और भी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाएं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।